हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ आप कुछ इस तरह का एसवीएम पैनल का वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, स्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, कुछ इस तरह का वेबसाइट बना करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास डोमेन होस्टिंग एंड स्क्रिप्ट होना चाहिए। स्क्रिप्ट नहीं है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से जा करके परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये रहा ये स्क्रिप्ट, 500 प्राइस है यहाँ पे, आपको इस स्क्रिप्ट का परचेज कर सकते हो। अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हो, एक बार बाई कर लोगे आप चाहे तो इससे हज़ारों वेबसाइट बना सकते हो। अनलिमिटेड आपको लाइसेंस मिलता है और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट हमारे ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल है, परचेज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ मैंने फ्री में भी प्रोवाइड किया है स्टोर पे। फिर अगर आप ओनली 20 रुपीज़ में होस्टिंग परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो ओनली आप 20 रुपये में होस्टिंग मंथली परचेज कर सकते हो। बेस्ट होस्टिंग, मैं भी वही होस्टिंग यूज कर रहा हूँ, 20 रुपीज़ वाला। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरे पास ये स्क्रिप्ट है, एसवीएम पैनल प्रो स्क्रिप्ट। आप परचेज करेंगे तो ये स्क्रिप्ट मिलेगा, तो एक्सट्रैक्ट करना है। उसके अंदर आपको फोल्डर के अंदर 3 फाइल मिलेगा, सबसे पहले एसक्यूएल फाइल, इंस्टॉलेशन का फोल्डर और ये स्क्रिप्ट है। तो इसको अपलोड करना है अपने होस्टिंग पे। तो चलिए इंस्टॉलेशन फोल्डर ओपन कर लेते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है, इसका PHP वर्जन आपको 7.1 रखना होगा। सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करना होगा, प्रोसेस बताया गया इंस्टॉलेशन का, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वीडियो में भी कैसे इंस्टॉल करना है। तो फिर यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट अपलोड किया है, चलिए एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद चलिए मैं डोमेन नेम अपना ओपन करता हूँ। ये डोमेन नेम हमारा है, इसे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, जो भी हमारा डोमेन है, आपका भी जो भी डोमेन है। इस तरह का आपके साथ भी एरर आ सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको PHP सर्च करना है और अपना PHP वर्जन चेंज करना होगा। यहाँ पे आपको मल्टी PHP मैनेजर पे क्लिक करना है और अपना PHP वर्जन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपका जो भी डोमेन नेम है, डोमेन नेम को सेलेक्ट करना है। ये मेरा भी डोमेन नेम है, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है 7.1 और अप्लाई कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे होस्टिंग कंपनी में ऑप्शन नहीं दिया रहता, तो यार मैं जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे परचेज करें तो ये सारे फीचर सबको मिल जाएंगे उसके अंदर 20 रुपीज़ में ओनली। फिर उसके बाद चले मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या वर्किंग हुआ, तो यहाँ पे नहीं हुआ। एक और चीज़ आपको चेंज करना होगा, PHP फिर से सर्च करते हैं और PHP का वर्जन हम चेंज करेंगे। सेलेक्ट PHP वर्जन पे क्लिक करेंगे और हम PHP वर्जन चेंज करेंगे यहाँ से। और एक एक्सटेंशन भी इनेबल करना पड़ सकता है, आइकोनिक क्यूब PHP जो एक्सटेंशन है उसे भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट 7.2 है, इसे हम 7.1 करेंगे। और यहाँ पे ये जो PHP आइकोनिक है इसे आपको इनेबल देख लेना है, इनेबल है या नहीं, इनेबल नहीं तो इनेबल कर लेना है। उसको सेट करेंट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चले मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो फिर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो उसके बाद आपको स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना स्टार्ट करना है। कुछ इस तरह का आपके जब वेबसाइट दिखेगा, एरर आना स्टार्ट होगा, तब आपको डाटाबेस बना करके अपना वेबसाइट को कनेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन में उसे ओपन करता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करना है, अपडेट डाटाबेस डिटेल कहाँ पे अपडेट करना है, एसएमएम फोल्डर उसका कॉन्फ़िगर का फोल्डर है, उसके अंदर डाटाबेस .php है, उसके अंदर 59 60 61 लाइन को चेंज करना है। तो चलिए हम ओपन करेंगे यहाँ पे एसएमएम फोल्डर कॉन्फ़िगर का फोल्डर और यहाँ पे हमको मिल जाएगा डाटाबेस .php। चलिए इसे हम एडिट करेंगे, यहाँ पे मुझे 59 लाइन पे जाना है। तो देखिए 59 यहाँ पे लाइन है। यहाँ पे सबसे पहले डाटाबेस नेम चेंज करना है, यूजर नेम, डाटाबेस का पासवर्ड, 3 चीज़ आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे डाटाबेस यहाँ से अपने सी पैनल से। ओके, यहाँ पे MySQL डाटा विजार्ड पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और चलिए कुछ भी दे देते हैं, SMM मैं दे देता हूँ नाम, आप कुछ भी दे सकते हैं डाटाबेस का नाम यूनिक। और यहाँ से हम पासवर्ड को जनरेट करेंगे। ओके, पासवर्ड जनरेट करने के बाद दोनों बॉक्स के अंदर पासवर्ड फिलअप करेंगे, क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे, एल परमिशन देंगे हम इसको और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो पासवर्ड था वो मैंने कॉपी कर रखा है, तो पासवर्ड सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे पहले वाले पासवर्ड से। तो चलिए पहले वाला पासवर्ड डिलीट करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। ओके, नया पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र नेम कॉपी करेंगे, यूजर नेम कॉपी करेंगे और डाटाबेस नेम दोनों मेरा सेम है, अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं फिलअप करता हूँ, कंट्रोल भी पहले वाले से रिप्लेस करने वाला हूँ मैं। इतना चेंजेज करने के बाद पेन आपको सेव चेंजेज पे क्लिक कर देना है। चलिए इसे क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद भी आप रिफ्रेश करो तो कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको यहाँ पे SQL फाइल अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे आपको PHP सर्च करना है और PHP माई एडमिन के अंदर जाना है। यहाँ पे जो भी SQL फाइल आपको मिला है, ये वाला SQL फाइल को अपलोड करना है यहाँ पे आपको। फिर ये भी मेरे बहुत सारे डाटाबेस बनाया है, जो मैंने अभी डाटाबेस बनाया था SMM के नाम से, ये अपना डाटाबेस नेम चूज करना है। उसके अंदर आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर डाटाबेस हम चूज करेंगे और अपलोड करेंगे, डाटाबेस अपलोड कर देंगे यहाँ पे चूज करके, गो पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे।
फिर हमारा जो एसक्यूएल फाइल था वो हमारा इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे अपने वेबसाइट को, तो फिर यहाँ पे देख सकते हो हमारा वेबसाइट लाइव हो चुका है। हम क्लिक करके भी चेक कर लेंगे सर्विस अंदर, यहाँ पे देख सको सर्विस भी आपको यहाँ पे दिखा देगा, टर्म्स ऑफ यूज, साइन अप, ये सारे बटन वर्किंग है यार। तो ये सब आप एडमिन पर लॉगिन कर सकते हो। तो एडमिन पर का जो डिफॉल्ट यूजर पासवर्ड है, क्या मैं दिखा देता हूँ, ये है डिफॉल्ट, आप इसे चेंज भी कर सकते हो एडमिन पर लॉगिन करने के बाद। चलिए एडमिन पर हम लॉगिन करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ईमेल डालेंगे हम अपना, यहाँ पे ईमेल डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6 और साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो फिर देख सकते हैं हमारा एडमिन पैनल ओपन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो अपने एसएमएम पैनल वेबसाइट को। अगर आप कंप्लीट वेबसाइट अगर आप हमसे बनवाना चाहते हो एसएमएम पैनल का, तो आप हमसे बनवा सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेटअप वगैरह कराना होगा, एपीआई कनेक्ट कराना होगा, टोटल सर्विस हम लोग देते हैं एसएमएम पैनल का, या तो किसी भी तरह का सर्विस और चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्रेंड अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियो में लाते रहता हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय।